Happy evening, all of you. I am Professor Anand Kumar Das. In continuation with the top 100 engineering colleges in India, आज बारी है वेस्ट इंडिया की, पश्चिम इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, है ना, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात. जैसा कि आपको पता है, इस नक्शे के हिसाब से आपको पता है, मैंने नॉर्थ इंडिया का वीडियो बनाकर आपको दे दिया है. 10 स्टेट सेलेक्टेड, टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ईस्ट इंडिया का बनाकर दे दिया है, साउथ इंडिया का. आज बारी है वेस्ट इंडिया, जिसमें थ्री स्टेट्स है, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, जैसा कि आप सब जानते हैं. और उसमें ये सब इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट, 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है. ये बाय डिफॉल्ट चार जो है, बाय डिफॉल्ट है. ऑल आईटीज, देर आर 23 आईटीज, है ना, ऑल एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 31, ऑल ट्रिपल आईटीज 26, ऑल बिट्स कैंपस जो है इंडिया में ऑलमोस्ट 10 है. तो 90 कॉलेज ऑलरेडी टॉप कॉलेजेस, जिसमें कि वैल्यू फॉर मनी, आप जो इन्वेस्ट करेंगे 4 साल में, वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा. जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में हर हालत में आपको इंजीनियरिंग के बाद MBA करना ही पड़ेगा. अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, तो इंजीनियरिंग MBA करना ही पड़ेगा. उससे रिलेटेड वीडियो में बना कर दे दिया है, उसको भी जरूर देखना. सारे स्टेट वाइज मैंने बना कर दे दिया है, फिर ओवरऑल भी बना कर दे दिया है. इंजीनियरिंग का भी मैं कोशिश करूँगा, ओवरऑल मुझे अगर मिला रिसर्च के द्वारा, तो वो भी बना के आप लोग को दूंगा. वैसे ऑलरेडी स्टेट वाइज भी आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टेट में पढ़िए. ये सब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, 100 400 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं. सब जगह आपको कम से कम मिनिमम पैकेज, आपको मिनिमम एवरेज मैक्सिमम पैकेज, है ना, तो मिनिमम 25,000 रुपया पर मंथ टेक होम नेट सैलरी की बात करनी है. जब भी किसी एडमिशन काउंसलर से आपको बात करना है, इस बात को कभी नहीं भूलना है कि मिनिमम पैकेज की बात करना है, वो भी टेक होम नेट सैलरी. CTC या पैकेज की बात ही नहीं करना है. कोई भी कॉलेज चाहे इस लिस्ट में हो चाहे नहीं हो, अदर देन दिस लिस्ट, अगर कोई कॉलेज आपको 25,000 रुपया हाथ में सैलरी देता है, है ना, आपके बैंक में सैलरी आता है, तो इसका मतलब वो कॉलेज अच्छा है इंजीनियरिंग के हिसाब से. MBA वालों के लिए वो 50,000 रुपये सैलरी होना चाहिए. अब बीच में कभी घटता बढ़ता है, तो मान लीजिए 25 से 30 भी हो सकता है, 25 से 20 भी हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, नहीं तो वो बेकार है फिर वहाँ पढ़ना, टू बी वेरी फ्रेंक. नहीं तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, आपको एडिशनल पैसा लगाना होगा अपना, फिर आपको डिप्लोमा अलग से लेना होगा, कोई सर्टिफिकेट अलग से लेना होगा, 4 साल के अंदर 4 सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि आपके सैलरी फिर उतनी पहुँचेगी, क्योंकि जितना पैसा लगाया उसको रिटर्न होने में फिर 5 साल लग जाएगा. तो ऐसा पढ़ाई का क्या फ़ायदा, आपने जितना लगाया वो पहला साल ही कवर होना चाहिए. उसको कहते हैं कॉलेज इंस्टीट्यूट. वेरी सिंपल, मेरा मानना यही है. और सिर्फ मैं एक ही चीज़ देखता हूँ प्लेसमेंट वाइज, ये नंबरिंग है, ये रैंकिंग नहीं है. एक रैंकिंग में ये चारों के चारों टॉप 90 कॉलेज है, उसके बाद सबकी रैंकिंग आती है फिर उसके हिसाब से. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कॉलेज इनसे भी अच्छा है. IIT को छोड़ दें तो NIT से भी कुछ कॉलेज आप में आपका अच्छा है इसमें से, जो कि उसका नंबर अच्छा है, रैंकिंग अच्छा है. ये नंबरिंग है, इसे नंबरिंग पर जाना है. रैंकिंग अलग है, गूगल सर्च मारिए आपको रैंकिंग मिलेगा. लेकिन ये टॉप 90 कॉलेजेस एकदम टॉप का है, उसके बाद ये सब भी टॉप का है, जहाँ के आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी आपको मिलना चाहिए. इंजीनियरिंग का करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत वैरी करता है. हमारे देश में मशरूम्स की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है ना, जो जिसकी वजह से क्या है, पैकेज बहुत लो हो गया है, बहुत गिर गया है, इसलिए बड़ा कहना मुश्किल है. लेकिन हाँ, इस चारों का कह सकते हैं कि यहाँ पे पैकेज अभी भी ठीक ठाक है, वैल्यू फॉर मनी है, जो कि वापस मिलने की उम्मीद है. अब चलिए आपको बताते हैं कि उसके बाद आप वेस्ट इंडिया में कहाँ और पढ़ सकते हैं. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में आप पढ़ सकते हैं. निर्मा यूनिवर्सिटी एकदम टॉप का MBA के लिए भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी है, वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप. भारतीय विद्यापीठ बहुत पुराना, बहुत नामी, है ना, VIT पुणे, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं. UICT बहुत नामी कॉलेज, जलगांव वाला, महाराष्ट्र वाला, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद. MIT पुणे, VGIT बहुत पुराना, बहुत नामी कॉलेज मुंबई का. YCC नागपुर, है ना, और नासिक का KK Walk कॉलेज जो है. ये सब टोटल कॉलेज वेस्ट इंडिया में है, जहाँ इंजीनियरिंग करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. आप इस 100 कॉलेज में से कहीं भी एडमिशन लीजिए, आपको एक अच्छा करियर मिलेगा. लेकिन टारगेट हमेशा ये चारों रखिए. इन चारों में मिल गया तो सोने पे सुहागा, क्योंकि फिर IIM में एडमिशन बहुत आसानी हो जाएगी आपको. याद रखिएगा, क्योंकि IIM वाले इन चारों को हमेशा प्रेफर करते हैं. ऑलवेज 80% बच्चे इसी चारों कॉलेज के रहते हैं, वहाँ पे 20% अदर कॉलेज के बच्चे वहाँ रहते हैं. फिर उनका पैकेज उसी हिसाब से भी बढ़ जाता है. हमारे घर में वैसे हमारे कजन लोग बहुत हैं जो कि, है ना, पढ़ के निकले NIT से, IIT से, IIIT से, फिर MDI से MBA किया, फिर IIMT से किया, फिर IIM से किया. ज़बरदस्त पैकेज में भी है. अरे तो स्टार्टिंग में वो TCS में लगे थे, इन्फोसिस में लगे थे, कुछ नहीं, 18,000, 19,000, 20,000 रुपये सैलरी हाथ में मिलती थी, टेक होम सैलरी. इसलिए पैकेज CTC बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब हाथ में मिलता है बड़ा कम होता है, क्योंकि साल का अंत में पैकेज CTC का जो चक्कर है ना, डिप्लोमेटिक वर्ड, उसके से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, उसको जरूर देखना आप लोग.
मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, अगर पहली बार आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल जाओ, 333 वीडियोज मैंने बना के अपलोड करके रख दिया है आप लोगों के लिए, सारे ही एजुकेशन लर्निंग से रिलेटेड है, एक भी बेकार नहीं जाएगा आपका, किसी में कुछ हिंदी में है कुछ इंग्लिश में है, अगर आप हिंदी समझते हो सबसे बेस्ट, अगर नहीं समझते उसके सब टाइटल्स आता है, सब टाइटल्स को देख के आप समझ जाओगे, वेरी सिंपल। इसलिए सबके साथ शेयर करो, वो MBA वाला वीडियो को देखना, टॉप 20 MBA, टॉप 51 MBA इंस्टीट्यूट पेजी इंडिया, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद MBA आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप इंस्टीट्यूट से करें चाहे इस इंस्टीट्यूट से करें, आपके पास कोई उपाय नहीं, क्योंकि आज की डेट में MBA क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन और वो मैंडेटरी है अच्छे करियर के लिए, अच्छे पैकेज के लिए, अच्छे CTC के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, रिक्वेस्ट आप लोगों से, सो दैट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ढेर सारे एजुकेशन लर्निंग वीडियोस से रिलेटेड आने वाले दिनों में और भी, और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा फिर से फ्रेश वीडियो बनाकर देने के लिए आप लोगों को। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू द हैप्पी।